जय श्री कृष्णा। आर्यव्रत की कहानियों में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ कजली तीज की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक साहूकार था, उसके चार बेटे थे। तीन कमाऊ थे, चौथा कमाऊ नहीं था और कोठी था। सारा दिन वह एक वेश्या के घर पड़ा रहता था और जब भी रुपया पैसों की जरूरत पड़ती तब घर आता। पति को वेश्या के घर पहुंचाने का भार पत्नी पर था। उसकी पत्नी दिन भर देवर जेठानियों के यहाँ काम करती और पेट भरती। कजली तीज आई, जब उस दिन इसने सब देवर जेठानियों के दाले और शक्कर पीसी और घड़ी गाड़ कर आटा शक्कर मिलाकर अपना पिंडा बनाया। घर के सब काम करके शाम को नीमड़ी माता की पूजा करके चंद्रमा जी को अर्घ देकर पिंडा फांसने बैठी। इतने में ही पति आया और बोला, बार बार खोल किवाड़। उसने किवाड़ खोला, खोलते बराबर ही वह नशे में चूर पति कहने लगा कि मुझे वापस वेश्या के घर पहुंचा। वह उसको गोदी में उठाकर पहुंचा कर आई। सातू पास में बैठी थी, फिर उसका पति आया, फिर किवाड़ खोलने के लिए आवाज दी। किवाड़ खोलकर अंदर आते ही बोला, मुझे वापस वेश्या के घर पहुंचा। उसने वापस उसको वेश्या के घर पहुंचाया। ऐसे करते करते तीज माता के हाथ जोड़े, हे माता अब तुम ही हो। यहाँ ऐसे वहां वैसे कजली तीज होगी कैसे। छठी बार आते समय रास्ते में आंटी नदी बह रही थी, वह आकाशवाणी हुई, आवतेड़ी बाई जावतेड़ी बाई दोना गोल कर पी ले। ज्यों दोना गोल कर पी ले त्यों तुम्हारे पिया की कोट झड़े। जिससे तुम्हारे प्रिय भरतार घर आएंगे और उनका कोट ठीक हो जाएगा। वहां और तो कुछ था नहीं, एक आंकड़े का जाड़ था। उसका पत्ता तोड़कर दोना बनाकर नदी में से पानी लेकर पिया। उधर से एक कच्चे दूध का दोना आया, उसने दोना लिया और दूध पिया। दोने के दो टुकड़े करके फेंक दिए। घर आई, पिंडा फांसने बैठी। इधर वैश्य के साथ उसके पति का झगड़ा हुआ, तब तीज माता ने उसके पति को सुबुद्धि चेताई। तब वह वैश्या को अपना दिया हुआ धन और गहने उसने वापस लेकर रवाना हुआ। आते समय उसने नदी में स्नान किया। स्नान करते ही उसकी देह एकदम कंचन जैसी हो गई। वह घर आया और बोला, बार बार खोल किवाड़। जब पत्नी बोली, छह बार हो गया, अब मैं किवाड़ नहीं खोलूंगी, मैं पिंडा फांसने बैठी हूँ। वह बोला, अब मैं वापस नहीं जाऊंगा। वह बोली, मुझे वचन दीजिए, वचन देना तभी मैं किवाड़ खोलूंगी। पति ने वचन दिया, तब उसने किवाड़ खोला। वैश्या से वापस लाया हुआ धन पत्नी को सौंप दिया। फिर दोनों ने साथ में जोड़े से कजली तीज माता की पूजा की, पिंडा पासा पान खाए और चौपट पासा खेले। कजली तीज माता की कृपा से धन के भंडार भर गए। गड़िया गड़ रहे थे, जाड़िया जड़ रहे हैं, सब और आनंद हो गया। दिन हुआ वह काम पर नहीं गई। तब देवर जेठानियों ने बच्चों को बुलावा देने भेजा। बच्चे दौड़ते दौड़ते आए और बोले, काकी काकी काम पर चलो। तब वह बोली, मैंने बहुत दिन काम किया, अब आपके काका घर आ गए हैं, मैं तो काम नहीं करूंगी। मुझ पर तो कजली तीज माता प्रसन्न हुई है। बच्चे घर गए, माँ को कहने लगे, अब काका घर आ गए इसलिए काकी काम पर नहीं आएगी। जेठानियों ने पूछा, इतना वैभव कहाँ से लाई। हाट पांडी की बाजार फाड़ी, चोरी की। उसने कहा, मुझे तो कजली तीज माता ने दिया है। हे कजली तीज माता, जैसे उस पर प्रसन्न हुई वैसे सब पर प्रसन्न होना। खोटी की खरी, अधूरी की पूरी। यदि आपको मेरी यह कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।